गाइस व्हाट्सअप क्या कर रहे हो आप लोग। सो गाइस आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं करने वाला हूँ अपने बियर्ड पे शेव, और पूरा क्लीन नहीं करने वाला एक्चुअली, जो थोड़े बहुत ये जो आ रहे हैं ना उसको बिठा दूंगा और एक ऐसे शेप देने की ट्राई करूँगा। और बाल भी थोड़े बहुत है ना, ये सिर्फ ये थोड़े बहुत हटा दूंगा, ये जो भी है आप देख रहे हो विदाउट एकदम कैसे एकदम अभी। सो अभी मैं बोल नहीं पा रहा वो कैसे करूँगा, बट आप देख लेना ये जो भी ऐसे 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 जो भी है ना, ये जो भी ये सब साफ़ करने वाला हूँ मैं, और वो भी खाली सीजर से हाँ सिर्फ कैंची से करने वाला हूँ मैं, ट्रिमर यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि मेरा ट्रिमर हो गया है ख़राब। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोचा भाई चार्ज लगा देता हूँ, ये मेरे को करना ही है तो फिर ट्रिमर भी यूज़ होगा, तो मैंने ट्रिमर जैसे चार्ज पे लगाया आधे एक घंटे बाद मैंने निकाला था, तो वो भाई बोल रहे हैं कि मैं हो गया हूँ ख़राब, मतलब मैंने स्टार्ट किया तो वो चालू नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, और अब वो ट्रिमर मेरे को कहाँ से मिलने से है। सो मैं ठीक है छोड़ो कोई नहीं, अपने खाली सीजर चैलेंज करते, खाली सीजर से मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ वो करते, रिकॉर्ड भी करता हूँ आप सब के साथ शेयर भी करता हूँ, तो आप भी देखो मैंने सही से सक्सेसफुल हुआ कि क्या हुआ जो भी है। तो चलो करते अपना ये।
Thank you.
That's it guys, आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। सो मैं एक साइड का ही किया क्योंकि एक साइड में भी करने में बहुत मुझे मेहनत लगी बहुत, क्योंकि हाथ नहीं बैठ रहा था मेरा वहाँ पे, मतलब कैंची कैसे पकड़ने की, कैसे वो बाद में एंगल लेके काटने का, वो बैठ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं कर पाया। नहीं तो मैं थोड़ा बहुत इस साइड भी कर लेता और ट्रिमर होता तो और परफेक्टली कर लेता, बट नहीं हुआ मुझसे। जैसा भी है आप मुझे बता दें मैंने कैसे तैसे किया है, और आप ट्राई मत करना, ये करना चाहो आपको अच्छे से आता है मेरे से भी तो आप करना, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आप कर सकते हो तो करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो लॉकडाउन के पहले तो आपको कोई सलून या कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि परफेक्ट कर दे। आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, एज ए इंजॉयमेंट एज अ फन यू कैन ट्राई लाइक मी। मुझे तो आगे जाके आपको बताया नहीं ना, मेरे को आगे जाके फैशन मॉडलिंग करनी या मुझे वो ड्रीम है जो मुझे बनना है वो, इसलिए मैं ये सब हरकतें करता रहता हूँ। और प्लस एक पॉइंट और भी है कि मैं ये जब कर रहा था मैं मम्मी बीच बीच में आके क्या कर रहा है क्यों कर रहा है कचरा कर दिया ये सब, मतलब बहुत सुनाया मेरे को, तो ध्यान डिस्टर्ब हो गया, फिर मेरा भी मन नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी को बोला ठीक है भाई 5-10 मिनट रुको कर लेता हूँ फटाफट, फिर छोड़ देता हूँ। तो ठीक है कैसा लगा आप मुझे बता देना, ये मैंने इस तरह ही किया है ठीक है ना, और थोड़ा लाइट पड़ा इसलिए मैं टकला दिख रहा हूँ, अगर टकला नहीं है वो आप ये देखो ऐसा है ठीक है, और थोड़ा लाइट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा बट वैसा नहीं। सो बस गाइस दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना मुझे। सो बस स्टे होम स्टे सेफ, और ऐसे कुछ एक्टिविटी करते रहो घर पर जब तक लॉकडाउन नहीं खुले हो तब तक सब नॉर्मल ना हो जाए। So I will meet you in my next video. Till that, be safe, be strong, and bye-bye. And yes, please, इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है गाइस। आप वीडियो में देखा होगा थोड़ा फास्ट किया था, बट आपको देख ही आ गया हो मैं कैसे कैंकल लूँ कैसे कचकच करना, खुद भी बंदा खुद के बाल काटने बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो के लिए थोड़ा सपोर्ट कर देना, और इस वीडियो के लिए नहीं थोड़े आगे वाले वीडियो में भी कर देना सपोर्ट मेरे चैनल मुझे। बाय बाय।